हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। प्लस डेली बेसिस में प्री मार्केट एंड आफ्टर मार्केट एनालिसिस का वीडियो डालता हूं, जिससे आप देख करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके से आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो मैं प्रॉपर यहाँ पे लर्निंग देता हूँ। और मैं इसमें जो एनालिसिस करता हूँ उसमें मैं चार्ट और डेटा दोनों को मिक्स करके आपको समझाता हूँ, ताकि आपको एक एक्स्ट्रा लर्निंग और एडवांस लर्निंग मिल सके। तो डेली बेसिस पर आप इसको फॉलो करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी के साथ साथ आप मेरे ट्विटर आईडी एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन एंड फॉलो करें, जिससे कि आपको क्या हो कि मैं जो अपडेट्स देता रहता हूँ, कोई कोई अच्छा स्टॉक्स हो गया, उसका चार्ट अगर अच्छा मिल गया तो वहाँ पे उस टाइम पे मैं लाइव मार्केट में देता रहता हूँ, जिससे कि आपका नॉलेज इंक्रीज हो, क्योंकि मैं प्रॉपर एनालिसिस भी शेयर करता हूँ। देन उसके बाद आप अगर चाहो तो कुछ ट्रेड करो, बट ट्रेड आप अपने एनालिसिस के बाद ही करना, ताकि आपका कुछ वहाँ पे पॉजिटिव आउटकम भी निकल सके। और इसकी लिंक आपको मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जाकर के ज्वाइन एंड फॉलो जरूर करें। एक अच्छा स्टॉक मुझे पॉजिटिव मिली है, ओके, और मैं आपके सामने चाहता हूँ कि आप उसको डिस्कस करें। बट देखो, ये मैं जो बना रहा हूँ ना, स्टॉक के बारे में बना रहा हूँ, तो ये स्टॉक का नाम है सलार्सर टेक्नो इंजीनियरिंग। और ये वीडियो मैं सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए बना रहा हूँ, ताकि कैसे किसी चार्ट को एनालिसिस करते हैं, कैसे समझते हैं, क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए, वो आपको मैं बेसिक एक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि आप अगर नए हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए, और अगर आप अगर ऑलरेडी जानते हो तो आपके बारे में एक अच्छा स्टॉक मिल जाएगा, आप ये समझ जाओ। तो बेसिकली मेरा इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो है आपको नॉलेज देना, ना कि टिप या फिर एडवाइजरी प्रोवाइड करना, ओके। और आप इसको सिर्फ नॉलेज के लिए यूज करना, कोई ट्रेड करने के लिए मत करना। इसमें मैं आपको बाइंग सेलिंग करने का भी बताऊंगा, वो इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैं कहाँ पे कब क्या बाई करना चाहिए, आपको जो चार्ट दिख रहा है उस टाइम पे आपको कैसे बाई सेल करना चाहिए वो नॉलेज मैं आपको दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप जाकर के बाई करो, और अगर बाई करना भी है तो आप अपने एनालिसिस करो, देन उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करो, उनसे बोलो, और अगर वो बोले तब आप उसके बाद ही इसमें ट्रेड करना। स्टॉक का नाम है सलार्सर टेक्नो इंजीनियरिंग, और आप अगर नए हो तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस कंपनी के वेबसाइट पे जाना चाहिए कि आपको पता चल सके कि वो कंपनी करती क्या है, ओके। तो अगर मैं इनकी वेबसाइट में आ जाऊं तो आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए ये कुछ टावर बड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए टावर है, ये कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सोलर वाला है। तो इससे आपको क्या लगता होगा, इससे लगता है कि ये इनका जो कामकाज है वो इंफ्रा का है, बट किससे, ये एक्चुअली में क्या करते हैं, जैसे कि टावर खड़ा करना है तो उसमें लोहे लगते हैं, तो वो सब स्ट्रक्चर बनाने का काम है। एक बेसिक मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपके आसपास क्या होता है कि सोलर पैनल लगते हैं, ओके, लगा होगा, तो इसको जो प्लेटफॉर्म होता है उसका स्टील का होता है, तो वो प्लेटफॉर्म बनाने का जो इनका काम होता है, ये चीज मतलब ये करते हैं है, तो इनका बेसिकली बिजनेस मॉडल आप इसको समझ लो, ओके। तो अब मैं चलता हूँ इनके परफॉर्मेंस पे। सो सी, आप अगर नए हो तो आपको सबसे पहले कुछ मत करो, सबसे पहले कंपनी के वेबसाइट पे जाओ, कंपनी करती क्या है उसके बारे में जानो, उसके बिजनेस को समझो, देन उसके बाद ही उसमें कोई डिसीजन लो, ओके। और इससे क्या होगा कि एक बार आप अगर जान जाओगे ना, तो दोबारा कभी जिंदगी में आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार सलासर करता क्या है, एक बार बस आपको देखना है, और ऐसे करके कम से कम 1000 स्टॉक्स है आप उसको देख डालो, ओके। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी किस बिजनेस में है, अगर कोई न्यूज निकल के आएगी तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये इसका सबसे ज्यादा फायदा किस कंपनी को होने वाला है। तो सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग, इसके मैं फंडामेंटल की बात करता हूँ। फंडामेंटल में अगर मैं आ जाऊँ तो मैं सबसे पहले ईयरली परफॉर्मेंस पे चलता हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इनका 2012 में जो सेल्स था वो 108 करोड़ का था, और अभी जो सेल्स है वो 719 करोड़ का है। और इसमें अगर मैं देखूँ तो कंटिन्यू बेसिस पे परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, मतलब कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा डाउन था, बट कंटिन्यू बेसिस पे ये ऊपर ही जा रहा है। इसका मतलब है कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है सेल्स के बेसिस पे, ओके। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करो, जिसको एबिड्डा आप लोग समझते हो, एबिड्डा मतलब कि कामकाजी मुनाफा मतलब कि, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, देखिए कामकाजी मुनाफा का मतलब ये होता है कि कंपनी जो भी काम करते है उसका कोर बिजनेस क्या है, और उस कोर बिजनेस से कंपनी कितना कमा रही है, उसी को बोलते हैं एबिड्डा, ओके। मतलब अपने मेन धंधे से, जिसको बोलते हैं अपने काम से मतलब रखो, तो अपने काम से कितना कमा रही है वो मैटर करता है, तो वो उसका जो है इस हिसाब से 69 करोड़ का है, और ये कंटिन्यू बेसिस पे बढ़ रहा है, ओके। अब हम चलते हैं इसका प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भैया कुल कामकाज करने के बाद कितना फायदा हुआ, तो फायदा भी आप देख रहे हो कंटिन्यू बेसिस पे बढ़ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे इस कंपनी को बोल सकता हूँ कि जो कंपनी है कंसिस्टेंट बेसिस पर सही है। अब दिक्कत वाली बात है, देखिए दिक्कत यह है कि कंपनी का जो है ये बिजनेस है ना, थोड़ा सा हैवी एसेट बिजनेस है। इसमें इनका देखिए मार्जिन यहाँ पे सिर्फ 10% है, मतलब अगर ये 100 रुपये खर्च करती हैं तो उसमें से 10 रुपये ही कमा पाते हैं, मतलब प्रॉफिट होता है। तो ये समझो तो इनका हैवी एसेट बिजनेस है, तो इसमें क्या होता है ज़्यादातर इनको लोन लेना पड़ता है। लोन किस लिए लेना पड़ता है, क्योंकि ये कंपनी होते भाई लेट से कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया इनको, अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है आपको पता चलता है कि भाई पेमेंट तो तुरंत मिल नहीं जाती, भैया ये लो पैसा और आप बना लो, बेसिकली होता कभी कभी इनको स्ट्रक्चर बना के रेडी करना पड़ता है, देन उसके बाद इनकी पेमेंट आती है, तो वो थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे होता रहता है। और इसके साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है थोड़ा सा बर्डन ही बढ़ जाता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा बढ़ रहा है,
तो ये मेरे लिए एक नेगेटिव फैक्टर है और तो मुझे कोई नहीं दिखाई देता। बट अगर हम समझे कि ये थोड़ा बहुत इसको कवर कर लेंगे तो देन इस कंपनी के लिए सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाली जो अभी का बैड फैक्टर है वो इंटरेस्ट है, मतलब कि लोन इनका जो है बढ़ रहा है। ओके, तो आपने देखा सेल्स बढ़ रही है, एबिटडा बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। अब बेसिकली देखो भाई, कंपनी ने 31 करोड़ का प्रॉफिट करा, मतलब 22 करोड़ तो उसके चले गए उसमें, आपको समझो कि इंटरेस्ट में, तो ये एक थोड़ा सा गलत बात होता है। अगर ये बैलेंस शीट में आएगा तो ज़्यादा कंपनी को परफॉर्मेंस और बूस्ट मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे देखो मेरे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत लर्निंग मिलेगी, ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए, पहली चीज़। ओके, दूसरी चीज़, अब देखने के बाद क्या गोरे इसमें घुसे हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे FIIs ने अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ा दी है ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखिए फोर्ब्स EMF है, नोमूरा है, और ये AG डायनामिक फंड इसका कुछ नाम है, ये देखिए इन्होंने बाइंग करी है। तो इसमें आप यहाँ पे समझ सकते हो क्या है कि भैया 12% जिन्होंने गोरों ने खरीद रखी है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने इसकी 12% होल्डिंग खरीद ली है इसी क्वार्टर में, मतलब सेप्टेम्बर में ही, मतलब सेप्टेम्बर का जो क्वार्टर है इस टाइम पे, समझो आप पिछले 3 महीनों में इन्होंने ये बाइंग कर ली 12% के स्टेक। पिछले क्वार्टर में क्या था, सिर्फ 9.93%। तो मतलब यहाँ पे इन्होंने बढ़ाया हुआ है, दैट मीन्स कुछ तो इनको लग रहा होगा। अब इससे इसको क्यों देखना चाहिए, देखो जो नए लोग क्या पुराने वाले भी नहीं कर पाते, सी कंपनी में क्या बिजनेस में चेंज हो रहा है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, या फिर कोई इनसाइडर है, वो आप और हमारे बस की बात नहीं है कि आप उसको निकाल लो वो इन्फॉर्मेशन। ये जो बड़े लोग हैं ना, वो लोग इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, तो वो लोग इन्फॉर्मेशन जब निकाल लेते हैं तो उनको सही लगता है, तो वो लोग एंट्री कर लेते हैं। तो हम एटलीस्ट ऐसा कर सकते हैं, अगर हम इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते तो हम किसी बड़े आदमी को फॉलो तो कर सकते हैं ना, तो आप इसको फॉलो करो। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप समझो एनालिसिस का एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर बड़े लोगों ने बाइंग करी है, FIIs ने बाइंग करी है, तो हम इसको बाई करेंगे, ऐसा हमारा एक आइडिया होता है। ओके, तो यहाँ पे फंडामेंटल वाइज मुझे सही लग रहा है। अब मैं चलता हूँ चार्ट के ऊपर। चार्ट में मैंने क्या किया, मंथली चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो मंथली चार्ट में अगर मैं देखूँ, आपको यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हो रहा है। ओके, अब वॉल्यूम नहीं है, ये थोड़ी सी कंसर्न वाली बात है, वॉल्यूम नहीं है, बट हो सकता है आगे चल के वॉल्यूम क्रिएट किया जाए इसको पंप करने के लिए। ओके, नया एक्युमुलेशन हो, ये चीज हो सकती है। बट हम यहाँ पे देखिए अगर, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। अब ब्रेकआउट क्या देना जी, क्यों देखना चाहिए, जो नए लोग हैं उनको बता दें। देखिए एक बार जब पुराने जो नए लोग हैं उनको समझो, जब यहाँ पे पहली बार ब्रेकआउट हुआ था तो उसके बाद देखो प्राइस कहाँ तक चली गई थी, तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। यूँ देखना चाहिए, किस लिए देखना चाहिए ब्रेकआउट, इसलिए देखना चाहिए कि भाई अगर प्राइस ब्रेकआउट दे रही है तो ऊपर जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब फिर से ब्रेकआउट दे रही है तो हो सकता है प्राइस ऊपर चली जाए, ये आप आइडिया ले सकते हो। तो मंथली चार्ट में ये बुलिश है। अब मैं वीकली चार्ट आपको दिखाता हूँ। वीकली चार्ट में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम है। देखो मंथली में आपको वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रही होगी, बट यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखाई दे रही है। आप देखो यहाँ पे देखो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है ना, तो ये एक वॉल्यूम, मतलब बड़ी बड़ी वॉल्यूम है ना, ये आपका वॉल्यूम है यहाँ पे। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखो, सी काफी लर्निंग आपको मिलने वाली है। चार्ट का पैटर्न तो आपने एक आपने देख लिया मंथली वाले में, अब यहाँ पे वीकली में देखो, वीकली में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप आइडिया बेसिकली लगाओगे तो आपको पता चलेगा ये जो क्रिएट हो रहा है हायर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। ओके, कंपनी हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए, हायर हाई का चार्ट पैटर्न बनाते हुए, देन उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये मतलब क्या होता है कि इसके ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा रह जाते हैं, प्लस कंसोलिडेशन इसका लंबा है। देखो यहाँ पे आप इसको दूसरे तरीके से, दूसरे पैटर्न से भी समझ सकते हो, इसको बोलते हैं कहाँ गया, इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का भी ब्रेकआउट है, हायर हाई बनाने के बाद इसने, मतलब राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे ध्यान दो, एकदम जो नए लोग हैं एकदम बेसिकली ध्यान दो, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है हायर हाई बनाते हुए, एकदम बेसिक समझ लो। और आप देखोगे ऐसा जब भी बनता है तो आपके सक्सेसफुल और आपके प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट कि बाइंग हुई है कि नहीं, तो बाइंग हुई है तो वीकली चार्ट पे बना तो ये और ज्यादा बुलिश होगा। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर मैं देखूं यहाँ पे आपको, तो डेली चार्ट में भी देखिए वही ब्रेकआउट हुआ था जो मैंने आपको बताया। डेली में ब्रेकआउट होने के बाद, हालांकि मैं थोड़ा सा आपको एक दिन लेट अपडेट कर रहा हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आपको जब एंट्री एग्जिट बताऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ब्रेकआउट होने के बाद ये 35, इसकी क्लोजिंग थी 36-35 समझ लो, 35 से 38, तो ऑलमोस्ट ये 10% का रिटर्न तो दे चुका है एक ही दिन में, बट अभी भी रिटर्न आने के बाद है, पॉइंट है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखो ब्रेकआउट कैसे होते हैं, जैसे आपने वीकली चार्ट पे देखा था ना, ऐसा ही ब्रेकआउट होता था ना,
तो ये वही चीज है कि ब्रेकआउट होने के बाद फिर प्राइस के ऊपर जाने के चांस होते हैं, वो आपको डेली में दिख रहा है। ओके, वीकली चार्ट में सेम ऐसा पैटर्न था, जो नए लोग एकदम ध्यान दो, वीकली चार्ट ब्रेकआउट हो रहा है, देखिए ऐसा ही पैटर्न है ना, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये एकदम ऐसा ही पैटर्न है, ये ब्रेकआउट हो रहा है। ओके, और ठीक ऐसे ही डेली हो रहा है, डेली पे हुआ था, देखो ये देखो डेली पे ऐसे हुआ था, देन उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस 10% ऊपर चली गई। तो बस यही बेसिक है, आप अगर नए हो तो आप इसको समझो और सीखो। ओके, हाँ आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो मेरी बैचेस चलती रहती हैं, नए बैच जल्दी अनाउंस करूंगा, तो आप मुझे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मतलब कोई इंक्वायरी करनी हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको कोई हेल्प या फिर क्वेरी हो किसी भी मतलब फील्ड स्टॉक मार्केट में, किसी भी स्टॉक में, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कोई भी कंफ्यूजन हो इस नंबर पर फोन कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। और अगर आप मेरी बैचेस के बारे में जानना चाहते हो तो आप इससे जानकारी ले सकते हैं। चलिए, तो डेली चार्ट पे आपको मिल गया एकदम लॉजिक वाइज, मैंने बता दिया, जो नए लोग एकदम आसानी समझेंगे। अब मैं चाहता हूँ एंट्री कैसे करनी चाहिए। तो जब भी आपको कोई ऐसा पैटर्न मिले, देखो तुरंत एंट्री नहीं करनी चाहिए, वेट करो। तुरंत एंट्री करने से क्या होता है, पहले तो रिस्क बढ़ जाता है आपका, समझे, आपका रिस्क बढ़ जाता है। अगर थोड़ा सा भी ये नीचे आएगा तो आपको डर लगेगा, तो ये पैनिक वैनिक वाली पोजीशन क्रिएट मत करो अपने अंदर। सिंपल सी बात है, यहाँ पे एंट्री करने के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला ये है कि यहाँ पे एंट्री कर लो और रैली को एंजॉय करो, अगर ऊपर गया तो ठीक, और नहीं ऊपर गया, नीचे आया, तो यहाँ पे एवरेज करो, एकदम क्लियर लॉजिक। तो यहाँ पे आपको एवरेज करना है, एक समझ लो बात। पहला पॉइंट है कि आप अगर हो, देखो सी दो पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहला पॉइंट ये है, देखो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर जी नीचे नहीं आया ऊपर ही चला गया, तो उनके लिए एवरेज वाला फॉर्मूला है, क्या है भैया, अगर आपको लगता है कि नीचे नहीं आएगा ऊपर ही चलाएगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा बाई कर लो, मतलब अगर आपको 100 शेयर लेना है तो 50 शेयर यहाँ पे बाई कर लो, उसके बाद 50 शेयर यहाँ पे बाई कर लो। ओके, अगर ऊपर गई तो आपको 50 शेयर में प्रॉफिट हो रहा है, और अगर नीचे आएगा तो आपको यहाँ पे बाई करना है। और जो लोग फ्रेश एंट्री करेंगे उनको जब नीचे आएगा तभी एंट्री करेंगे, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, समझ गए, ये पॉइंट एकदम समझ लो। तो आपको एकदम क्लियर कट रखना चाहिए, इसमें एंट्री कैसे करी जाती है, एंट्री ऐसे करी जाती है कि जब आपको लगता है कि ऊपर चला जाएगा तो आप यहाँ पे 50% बाई कर लो, और अगर लगता है कि ऊपर नहीं जाएगा नीचे आएगा, ओके, तो आप यहाँ पे फुल क्वांटिटी यहाँ पे बाई करना, समझ गए, और अगर आपने यहाँ पे 50 बाई कर रखा है तो यहाँ पे आपको एवरेज करना है। तो ये हो गया आपका एंट्री करने का तरीका। दूसरा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस आपको देखो क्या करना चाहिए, सपोर्ट का स्टॉप लॉस लेना है। ये देखिए आपका सपोर्ट है, तो यहाँ पे देखो नीचे प्राइस आई, यहाँ पे रुकी, उसके बाद ऊपर चली गई, तो ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, मतलब इसके नीचे अगर चला जाए तो आपको एग्जिट कर जाना है, जो आपने बाइंग कर रखा है। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो बनेगा ऑलमोस्ट 28 का, तो 28 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप ट्रेड करोगे। ओके, अब आपकी एंट्री कैसे होगी, अब मैं दोनों को निकाल देता हूँ, यहाँ पे समझिए। लेट्स से कि आपने यहाँ पे एंट्री करी तो 38 पे आपकी एंट्री होगी, फिर आप एवरेज करोगे तो 32 पे आपका एवरेज होगा। ओके, तो 38 32 डिवाइडेड बाई 35 का आपका एंट्री बन जाएगा, और आपका स्टॉप लॉस होगा 28 का, आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो ऑलमोस्ट 35 - 28 7 पॉइंट का आपका बनेगा। अब इसको परसेंटेज टर्म में देखो, कैपिटल के परसेंटेज टर्म में देखो कि क्या मेरा स्टॉप लॉस कितने का बन रहा है, तो 7 ये कितना है इसका अपने 35 का 20, तो 20% का हमारा क्या बन रहा है, इसमें स्टॉप लॉस बन रहा है, मतलब 20% का मैं इसमें रिस्क लेने को तैयार हूँ। 20% का रिस्क मतलब अगर मैं इसमें 100,000 रुपए डाल रहा हूँ तो मैं 20,000 रुपए तक लॉस करने को तैयार हूँ। अब पॉइंट है कि भी अगर मैं 20,000 रुपए लॉस करने को तैयार हूँ तो किस लिए, जब मैं कम से कम 40,000 से 60,000 रुपए कमाऊंगा, समझ गए। तो इसका आप टारगेट मिनिमम 50% का रखो कि जब आप इसमें 35 पे बाई करोगे तो ये आगे चल के जब तक आपका 50+ समझ गए, 50+ या फिर आप मान लो इसको 60+ जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप इसमें से एग्जिट नहीं करोगे, आप इसको होल्ड करोगे। ओके, यहाँ पे आपका टारगेट इसी हिसाब से बनना चाहिए। आप अगर 20% इसमें लूज करने को तैयार हो तो आपको टारगेट मिनिमम 40% से 60% का लेना चाहिए। तो मैं 35 का 40% निकाल लेता हूँ यहाँ पे, बट मैं 60% की बात करता हूँ, समझ गए। अगर 20% का मैं लूज कर रहा हूँ तो 1:3 का रेशियो होना चाहिए, तो मैं 60% निकालता हूँ, तो 35 का 60% 56, यानी कि 60 पकड़ लो। अगर जब तक ये 60 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक आपको बुक नहीं करना, आपको होल्ड करना है। तो आप इसमें एंट्री करोगे ऑलमोस्ट 35 के एवरेज के साथ, ओके, और आपका इसमें टारगेट क्या होगा, 60 का टारगेट होगा, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 28 का। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी चाहिए इस टाइम के पैटर्न में, क्लियर। और ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फेसबुक ग्रुप में जहाँ पे भी आप लोग हो वहाँ पे आप फॉलो करो, मतलब शेयर करो, ताकि वो लोग फॉलो करें और उनको भी नॉलेज मिल सके। ये प्रॉपर मैंने आपको बेसिक एकदम सिखा दिया है, एकदम नॉलेज कि कैसे स्टडी करते हैं, कैसे चार्ट को देखते हैं। और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट।